कानपुर रैली में कल नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अब कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह रचकर उनकी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो हिटलर हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि नरेंद्र मोदी दूसरों को क्या सीख देते हैं वो खुद गुजरात में देखें, गुजरात में कितनी गरीबी है। तो कांग्रेस के नेताओं ने एक के बाद एक फिर से मोदी की घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ जहां केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी की तुलना हिटलर से की है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोदी पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में गुजरात जैसे विकसित राज्य में गरीबी बढ़ी है। मनीष तिवारी ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह हिटलर ने जर्मनी को रीब्रांड करने के लिए बर्लिन ओलंपिक का सहारा लिया था, ठीक उसी तरह का काम अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपनी रीब्रांडिंग करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी और उसके पीएम पद के उम्मीदवार को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। The Indian cinema or the Indian film industry to brand India, I was struck by the thought that way back in 1936, another gentleman wanted to use the Berlin Olympics for a similar branding, and that mark of the swastika still haunts a lot of people around the world. मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा, तो दिग्विजय सिंह ने मोदी के विकास मॉडल पर सवाल उठाया। दिग्विजय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी के कार्यकाल में गुजरात जैसे विकसित राज्य में भी गरीबी बढ़ी है। दिग्विजय ने दावा किया कि उनका यह दावा हवाई नहीं है बल्कि योजना आयोग के तथ्यों पर आधारित है। तो दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है ट्विटर के जरिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों में गरीबी की बात करते हैं, लेकिन खुद उनके प्रदेश में उनके सूबे में कितनी गरीबी है उस पर वो क्यों नहीं जवाब देते।